वो अपने हिसाब से लें, लेकिन पूरे देश के सब लोग मिलकर भी एक निर्दोष व्यक्ति को दंड देने का निर्णय नहीं कर सकते फिर वो लोकतंत्र नहीं है। अगर आप गहराई में जाकर के सोचेंगे, इसीलिए हमारे संविधान में भी फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की जाती है, मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाती है, और इसीलिए मानवाधिकारों की संकल्पना भी बढ़ती है, जो मनुष्य होने के नाते कुछ अधिकार है जिन्हें कोई व्यवस्था नष्ट नहीं कर सकती, किसी भी व्यवस्था को उन पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये राज्य का निरंतर, ये भी एक राजनीतिक हिंसा है, और सबसे बड़ी हिंसा है सांस्कृतिक हिंसा, जिसका हमको पता नहीं चलता, हम कई दफा नहीं जान पाते कि क्या हो रहा है। पूरे देश के अगर एक विदेशी भाषा में बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, किसी भी कारण से होना पड़ रहा हो, तो क्या ये उनके प्रति हिंसा नहीं है? आप लोगों में से मैं नहीं जानता, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो, होगा ही, जो गांधी में रुचि रखते हैं, गांधी जी का स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश था? जब बीबीसी के कॉरेस्पॉन्डेंट पहुंचे उनके पास में, और बार बार और उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं, बहुत दुखी थे पार्टीशन के कारण से, कलकत्ता में थे, बहुत दुखी थे, क्योंकि बहुत ज्यादा जब दबाव उसने दिया तो उन्होंने थोड़ा सा इरिटेट होकर कहा, मेरा संदेश यह है दुनिया से कह दो कि गांधी अंग्रेजी भूल गया है, उस गांधी के नाम से हमारी सरकार अंग्रेजी माध्यम स्कूल बनाए। मैंने स्वयं एक पत्र लिखा, मेरी आदत में नहीं है ज्यादा राजनीतिकों से संपर्क रहना, तो मुझे मालूम है कुछ होता नहीं वहां,